आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज टीवी से मैं सैयद अफरोज। आइए नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ तेलंगाना स्टेट डॉक्टर डी श्रीनिवास राव ने कहा है कि रियासत में रात का कर्फ्यू नाफिज करने की कोई जरूरत नहीं है। रियासत में कोरोना पॉजिटिव की शराय 3.16% है। अगर ये शराय 10% हो जाएगी तो कर्फ्यू नाफिज करने की जरूरत होगी। साबिक MLC BJP एन रामचंद्र राव ने और दीगर ने तेलंगाना गवर्नर से मुलाकात की। इन्होंने जियो 317 को वापस लेने के मुतालबे पर याददाश्त हवाले की। तेलुगु फिल्मों की अदाकारा नवीना रेड्डी ने ग्रीन इंडिया चैलेंज प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इन्होंने जुबलील्स पार्क में पौधे लगाए। पेशे खिदमत रिपोर्ट। नमस्ते, नेनु मी हिट फेम नवीना रेड्डी। ईरोजु जोगिनीपल्ली संतोष कुमार गारु प्रारंभिंचिनटुवंटि ग्रीन इंडिया चैलेंज लो भागंगा नेनु ई रोजु मोक्क नाटडं जरिगिंदि। ఇది ఎప్పుడో స్టార్ట్ చేశారు, చాలామంది చేస్తున్నారు. ఒక బాధ్యతగా స్వీకరిస్తూ ప్రతి ఒక్కరూ ఈ ఛాలెంజ్ని స్వీకరించడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఇప్పుడున్న ఈ కాలుష్యానికి, ఇప్పుడున్న పరిస్థితులను బట్టి మొక్క అనేది చాలా చాలా, ఇప్పుడు మా నాటేటప్పుడు చిన్న మొక్కే కానీ ఇది మా చేతుల మీద నాటినప్పుడు ఇది ఒక వృక్షమైనప్పుడు ఉంటుంది చూడండి ఆనందం. అసలు ఇప్పుడున్న కాలుష్యానికి చాలా అవసరం ఇది. तो जैसा कि आपने देखा नाजरीन, क्या हो रहा है देश और दुनिया में, इसी तरह के लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमें दीजिए इजाज़त।